हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वैलेंटाइंस डे स्पेशल लुक, और आप सबको एडवांस में हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस मेकअप ट्यूटोरियल को जो मैं आप लोगों के साथ क्रिएट करने वाली हूं, इसे आप डे हो या नाइट हो दोनों डेट में यूज़ कर सकते हो। पार्टी मेकअप भी आप इसे बोल सकते हो। वाइट ड्रेस के साथ मैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करने वाली हूं। जितने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए सबके बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आइए मेकअप ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ मैं ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। और मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो। अगर आप ड्राई स्किन हो तो क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, अगर आप ऑयली स्किन हो तो आप जेल मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना। इससे आपका मेकअप जो है वो केकी नहीं बनेगा, आपकी स्किन फ्लॉलेस रहेगी, स्मूथ रहेगी। नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम प्राइमर। तो प्राइमर के लिए यूज़ किया मैंने NYB का ब्लर प्राइमर, और ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइमर है। इसका भी मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने डॉट डॉट अपने टी जोन एरिया पे इस तरीके से लगा लूँगी, और जहाँ भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप उस एरिया पे लगाएं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक कंसीलर जो कि स्विस ब्यूटी का है, और एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर मैं जहाँ पर मेरे डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है वहाँ पर इस तरीके से इन दोनों को थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में मिक्स किया है मैंने। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये हैक शेयर किया है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स किया है, और अच्छे से अपने जो डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया है, और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी इस तरीके से। फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का फाउंडेशन, और इसका शेड नंबर है 02। मैं इसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अपने फेस पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। और थोड़ा सा ना इजी हो जाता है अगर ब्रश की हेल्प से लगाते हैं, ब्लेंडर भी अच्छा रहता है, बट एक तो ये लिक्विड ही है, जो ये फाउंडेशन है लिक्विड फाउंडेशन है, और मुझे ना इससे थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा है आजकल। नेक वगैरह बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं, तो प्लीज़ अपनी नेक को बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट स्विस ब्यूटी का मैं हाइलाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अपने जो इनर्स कॉर्नर्स हैं, आउटर कॉर्नर्स पर इस तरीके से हल्की हल्की सी डॉट्स लगाई हैं मैंने, और जिस एरिया को मुझे हाईलाइट करना है उस एरिया पे इस तरीके से अच्छे से लगाऊंगी मैं इसको। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जहाँ पर हमने कंसील लगाए सिर्फ उस एरिया पे डैप डैप करके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। फैलाओगे तो ये फैल ही जाएगा ज़्यादा अच्छे से, बट लेकिन हमें फैलाना नहीं है, जिस एरिया को हाईलाइट करना है उस एरिया पे डैप करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। और मैंने इसे अपनी लिड पर भी लगाया है जो कि एज अ बेस लग गया है, आई मेकअप करने में ईजी रहेगा, तो मैंने कोई अलग से बेस नहीं लगाया है अपनी लिड पर। बेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँ लैक्मे का लूज पाउडर, और आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, इस सीज़न में इतना ज़रूरी नहीं है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी मेकअप सेट कर सकते हो, लूज पाउडर से भी, बट चाहो तो स्किप करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने इसको करके ना थोड़ा सा अपना मेकअप केकी कर लिया था, मुझे इतना पसंद नहीं आया था। लास्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का ब्रो पैलेट, और इसमें से मैं डार्क ब्लैक शेड लेकर अपनी आईब्रोज को इस तरीके से इसी के ब्रश से ही फिल कर लूँगी। हल्का हल्का सा क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा लिया है, और थोड़ा थोड़ा लेकर मैंने जो अपनी आईब्रोज को फिल किया है। प्लीज़ एकदम ज़्यादा लेके मत अपनी आईब्रोज को फिल करना शुरू कर देना, बहुत डार्क हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा लेना, डस्ट आउट करना, और फिर अपनी आईब्रोज को फिल करना, बहुत अच्छा नेचुरल लुक आएगा आपकी आईब्रोज का। फेस पैलेट यूज़ करी मैं स्विस ब्यूटी की, और इसी के अंदर से ही मैं कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग और हाइलाइटिंग तीनों करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करूँगी, तो यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। बहुत अच्छा नेचुरल एक कॉन्टोर होगा मेरे फेस पे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्लशिंग लगा रही हूँ। ब्लश के लिए यूज़ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ही किया है, और बहुत नेचुरल लुक आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हल्का हल्का सा पिंकिश पिंकिश सा लग रहा है। अपने मैंने अपनी नोज़ और चिक दोनों कर लिए अच्छे से। हम अपनी इनसाइड कॉस्मेटिक का ही मैंने यूज़ किया है ये मेकअप सेटिंग स्प्रे। स्टार्ट करेंगे माया मेकअप। तो आई मेकअप के लिए यूज़ किए हैं मैंने हुडा की आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और ब्लैक शेडो लूँगी। इन दोनों शेडो की हेल्प से मैं हम आई मेकअप शुरू करने वाले हैं अपना। तो फ्लैपी ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन शेडो अपनी इस तरीके से लिड पर लगा रही हूँ अच्छे से, जो कलर जब तक वो कलर ना जाए, हल्का हल्का सा ब्लेंड करते रहो, लेते रहो, पिक करते रहो, लगाते रहो। और लोअर लैश लाइन पर ब्लैक शेडो लगा लिया है। नेक्स्ट लिया है मैंने NYB का लिक्विड लाइनर, और जिससे एक मैं विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। जितना ड्रामेटिक, जितना अच्छा आप लाइनर लगा पाओ उतना अच्छा रहेगा। इस तरीके से ब्लैक, सिर्फ जेड ब्लैक आईलाइनर इस तरीके से लेना है, आपको लगाना है। नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ मैं ये लिक्विड लाइनर, और ये सिल्वर लिक्विड लाइनर है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। इसका मैं बाय लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ, बट अगर आप ट्राई करोगे सिल्वर लिक्विड लाइनर तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा लोकल मार्केट में। इसे मैं ब्लैक लाइनर के ऊपर इस तरीके से पतली पतली लाइन मैंने इसकी ड्रॉ की है, और ये चार चांद लगा दिए हैं इसने पूरे आई मेकअप में। बहुत इजी सिंपल सा था या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ मैं वाइट काजल, जो कि मिस फ्लावर का है ये।
मैंने इसको भी लोकल मार्केट से परचेस किया था। आप ले सकते हो काजल या ब्लैक ले सकते हो। नेक्स्ट मैं ये फेक आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ, ये है रेड चेरी की। और अपने इनर्स कॉर्नर्स को इस तरीके से, अपने ब्रा बोन को, अपनी नोज़ को, अपने चिन को, अपने लिप्स को, अपनी जो लाइन को अच्छे से मैं हाईलाइट कर लूँगी इस तरीके से। और अपने मैं फोरहेड एरिया को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही हाईलाइटर यूज़ किया है। NYP की मैंने लिप क्रियोन यूज़ किया है और इसका शेड नंबर एक्जैक्टली सीरियसली होता मुझे याद नहीं है, बट ये रेड है, रेड एकदम रेड चिली की तरह। तो इसका मैं बाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। और ये बहुत ही प्यारा एक ड्रेस के साथ अच्छा लुक लगा मुझे। और मैंने लास्ट में एक लिप ग्लॉस इस लिपस्टिक के ऊपर लगा ली है और आप देख पा रहे होगे फाइनल लुक। और मैं अभी आपको तो फाइनली आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इससे जुड़ो कोई भी सवाल है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो देख लिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।